चलिए देखिए, अब तो हम लोगों ने पिछली क्लास में स्ट्रेट पढ़ना शुरू किया था, जलसंधियाँ हम लोग पढ़ रहे थे। देखो, जब हम लोगों ने जलसंधि पढ़ी थी, स्ट्रेट पढ़ा था, तो स्ट्रेट में हमने आपको बताया था, स्ट्रेट को हम लोग हिंदी में कहते हैं जलसंधि। और जलसंधि में हमने आपको बताया था कि अगर जलसंधि की बात की जाए तो ऐसा कोई भी नैरो वाटर बॉडी जो किन्हीं भी टू ब्रॉड वाटर बॉडी को आपस में कनेक्ट कर दे, तो इसी नैरो वाटर बॉडी को क्या कहते हैं? जलसंधि कहते हैं। तो आज हम लोग जो इन जलसंधियों के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम सारे लोग यूरोप की खास खास जलसंधियों के बारे में वर्णन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हम लोग देख रहे हैं जो ये पूरा वाटर है, ये कौन सा है? अटलांटिक ओशन है। ये कौन सा है? मेडिटेरियन ओशन का पानी भरा हुआ है। तो अगर ये अटलांटिक ओशन है, ये मेडिटेरियन है, ये क्या हो गया? यूरोप। ये क्या हो गया? अफ्रीका। अब अगर हम लोग देखें तो इस यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो ये जलसंधि है, ये जलसंधि देख रहे हैं आप, ये जलसंधि, ये जो जलसंधि है, इस जलसंधि को अगर हम देखें तो इस जलसंधि का नाम है, इसका नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है जिब्राल्टर जलसंधि। तो इस जलसंधि का नाम है जिब्राल्टर जलसंधि। अब अगर हम लोग जिब्राल्टर जलसंधि की बात करें तो ये जिब्राल्टर जलसंधि इस यूरोप और इस अफ्रीका को अलग करती है और जोड़ती किस किस को है? तो अटलांटिक और किसको? मेडिटेरियन सी को। यानी जो जिब्राल्टर जलसंधि है, जिब्राल्टर जलसंधि किस किस को जोड़ देती है? तो ये यूरोप और अफ्रीका को जोड़ देती है, जबकि अटलांटिक और भूमध्य सागर को अलग कर देती है। क्लियर हो एकदम? चले आगे बढ़े। देखिए, अब अगर आगे बढ़े हम लोग तो देखो आप, ये हम लोग देख रहे हैं कि ये एक लैंड है। अगर इस लैंड को हम लोग देखें तो इस लैंड को देखिए, ये जो लैंड है ये चारों ओर वाटर से घिरा हुआ है, और लैंड का ऐसा कोई भी टुकड़ा जो चारों ओर लैंड से घिर जो चारों ओर वाटर से घिरा हुआ हो, ऐसे लैंड के टुकड़े को हम लोग क्या कहते हैं? तो आइलैंड कहते हैं, द्वीप कहते हैं। और अगर हम लोग देखें तो ये जो द्वीप है, ये जो द्वीप है, इस द्वीप को कहते हैं कोर्सिका। क्या कहते हैं इसको? तो ये है कोर्सिका। और ये जो आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है सार्डिनिया। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है सार्डिनिया। अब इस कोर्सिका और सार्डिनिया के बीच में भी एक आइलैंड स्थित है, और इस कोर्सिका और सार्डिनिया के बीच में जो ये आइलैंड स्थित है, अगर इस आइलैंड की हम लोग नाम बात करें तो इस आइलैंड का नाम है बोनीफेसियो। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है बोनीफेसियो। तो ये बोनीफेसियो जलसंधि हो गई। अब अगर हम लोग बोनीफेसियो स्ट्रेट की बात करें, बोनीफेसियो जलसंधि की बात करें, तो ये बोनीफेसियो जलसंधि कोर्सिका और सार्डिनिया को अलग करती है, और किस सागर में स्थित है? तो भूमध्य सागर में स्थित है। अब अगर कोर्सिका आइलैंड को देखें तो इस कोर्सिका आइलैंड पर जिस देश का अधिकार है वो देश है फ्रांस, और जो सार्डिनिया है इस पर जिस देश का अधिकार है वो देश है इटली। यानी एक हो गया कोर्सिका, कोर्सिका कहाँ? फ्रांस। और एक हो गया सार्डिनिया, सार्डिनिया पर किसका अधिकार? इटली का। ये क्लियर हुआ? आप देखिए आगे देखो, अब फिर से एक आइलैंड हम लोगों को दिखाई दे रहा है, और ये जो आइलैंड, ये जो आप देख रहे हो, ये आइलैंड, इस आइलैंड को अगर हम देखें तो इस आइलैंड का नाम है मेसिना। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है, वेरी सॉरी, इसका नाम है सिसिली। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है सिसिली द्वीप। और इस सिसिली आइलैंड पर भी जिसका अधिकार है वो कौन है? वो है इटली। तो जो ये सिसिली इटली है, अगर इसमें हम लोग देखें तो ये देखो एक जलसंधि आपको दिख रहा है ये, और ये जो स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट को अगर हम देखें तो इसका भी नाम क्या है? तो इसका नाम है मेसिना जलसंधि। कौन जलसंधि? तो ये है मेसिना स्ट्रेट। अब अगर हम लोग मेसिना स्ट्रेट के बारे में देखें तो ये भी है भूमध्य सागर में,
लेकिन बेसिकली अगर ये देखो आप तो ये टायरेनियन सी और ये कौन सा आयोनियन सी, तो ये भी हम कह सकते हैं कि जो मैसीना जल संधि है ये सिसिली यानी इटली और ये मेन इटली है, तो सिसिली और इटली को ये अलग करती है, और किस किस को, तो टायरेनियन सी और किस को, आयोनियन सी को ये आपस में जोड़ती है, और ये जल संधि कौन सी हो गई, मैसीना स्ट्रेट। क्लियर है एकदम, आगे बढ़े। अब देखिए इसके बाद देखो ये पानी भरा हुआ है एड्रियाटिक सागर का और ये पानी भरा हुआ है आयोनियन सागर का, हालांकि बेसिकली ये मेडिटेरियन सी का ही भाग है। तो अब देखो यहां पर एक जल संधि है, इसका नाम है ओट्रेंटो। कौन सा स्ट्रेट है, तो ये जो स्ट्रेट है जिस स्ट्रेट का नाम है ओट्रेंटो स्ट्रेट यानी ओट्रेंटो जल संधि। अब अगर हम लोग ओट्रेंटो स्ट्रेट की बात करें तो ये किस किस को, ये देखो इटली, यहां एक देश है, इस देश का नाम है अल्बानिया। क्या नाम है इस देश का, अल्बानिया। तो किस किस को अलग करता है, ये इटली और अल्बानिया को, और जोड़ किसको रहा है, तो एड्रियाटिक सागर को जोड़ती है और किसको, आयोनियन सागर को जोड़ती है। इतनी बात समझ में आ गई, यानी हम लोगों ने पहला देखा जिब्राल्टर जल संधि, दूसरा कौन सा देखा बोनिफेशियो, तीसरा कौन सा देखा मेसिना, और चौथा कौन सा देखा ओट्रेंटो। यहां तक एकदम क्लियर हुआ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर इससे आगे हम लोग चले तो देखो ये हम लोग देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये एजियन सागर, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है। ये कौन सा सागर है, तो ये सागर है एजियन सागर। अब इससे आगे अगर हम बढ़ें तो ये देखो मरमरा सागर, ये कौन सा है, ब्लैक सी काला सागर, और ये कौन सा है, एजो सागर, और इन सब में एक एक जल संधियां हैं। जरा देखो यहां ये जो आप देख रहे हो ये एक स्ट्रेट है, और जो ये स्ट्रेट है इस स्ट्रेट का नाम है डार्डिनेल्स। क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है डार्डिनेल्स। और जो डार्डिनेल्स स्ट्रेट है, अगर इस डार्डिनेल्स स्ट्रेट की बात करें तो ये एजियन सागर और किसको, मरमरा सागर को जोड़ती है। किस किस को, एजियन सागर और किसको, मरमरा सागर को जोड़ती है, कौन सी, डार्डिनेल्स स्ट्रेट। और ये भी जो ये जो पोर्शन है ये टर्की के पास है, ये टर्की के पास है, और ये भी जो एरिया है ये किसके पास है, तो ये भी टर्की के पास है। तो ये है किस देश में, ये है टर्की में, लेकिन जोड़ किस किस को रही है, तो डार्डिनेल्स जोड़ रही है एजियन सागर और किसको, मरमरा सागर को। इतनी बात समझ में आ गई, आप देखिए ये मरमरा सागर है, ये कौन सा है, ब्लैक सी, और मरमरा और इस ब्लैक सी को ये जल संधि जोड़ती है, और मरमरा और ब्लैक सी को जो ये जल संधि जोड़ती है, इस जल संधि का अगर हम नाम लें ये जो है, तो इस जल संधि का नाम है बास्पोरस स्ट्रेट। और जो ये बास्पोरस स्ट्रेट है, बास्पोरस जल संधि है, ये बास्पोरस जल संधि भी किस किस को जोड़ रही है, तो मरमरा सागर और किसको जोड़ रही है, ब्लैक सी यानी काला सागर को जोड़ रही है। इतना क्लियर हुआ, आप देखो ये भी टर्की के पास हो गया, टर्की के अधिकार में हो गया। आगे बढ़े आप, चलो देखो अब इसके आगे देखो, यहां देखिए आप, तो ये जो एरिया हम लोग देख रहे हैं ये पूरा का पूरा पोर्शन, तो ये तीन ओर देखो जल से घिरा हुआ है, और तीन ओर जल से घिरा होने के कारण ये एक प्रायद्वीप है, और ये जो एक पेनिनसुला है, ये जो एक पेनिनसुला है ये, इसका नाम है क्रीमिया पेनिनसुला। और जो ये क्रीमिया पेनिनसुला है, इस क्रीमिया पेनिनसुला पर, इस पर किसका अधिकार है, तो ये यूक्रेन के अधिकार में है। तो ये चूंकि यूक्रेन के अधिकार में है, और इधर ये पोर्शन जो है ये रशिया के अधिकार में है। अब जरा देखिए ये यूक्रेन हो गया, ये किसके अधिकार में हो गया, यूक्रेन के अधिकार में हो गया। ये अगर हम लोग देखें तो ये रशिया के अधिकार में हो गया। अब ये जो सागर है, इस सागर को देखो, ये एजोशी है और ये कौन सा है, ब्लैक सी है। और इस एजोशी और ब्लैक सी जिस स्ट्रेट के द्वारा जुड़े हुए, यही वो स्ट्रेट है। और ये जो स्ट्रेट है, ये जो जल संधि है, इस जल संधि को अगर हम देखें तो इसका नाम है, इसका
केरिच स्ट्रेट, कौन सा है ये? तो ये केरिच स्ट्रेट है, और ये जो केरिच स्ट्रेट है ये किस किस को जोड़ रही है? एजो सागर और किसको? ब्लैक सी को, यानी एजो सी और ब्लैक सी को, एजो सागर और काला सागर को अलग किस किस को कर रही है? तो ये अलग कर रही है क्रीमिया प्रायद्वीप, यानी कौन? यूक्रेन, और इधर कौन सा? रसिया। यानी कौन कौन सी जल संधियां हम लोगों ने देखी? तो हमने देखा डार्डेनेल्स किस किस को जोड़ रही? एजियन और मरमरा। फिर कौन सा देखा? बास्पोरस किस किस को जोड़ रही? मरमरा और ब्लैक। फिर कौन सा देखा? केरिच किस किस को जोड़ रही? ब्लैक और एजो को। क्लियर हुआ इतना? चले आगे बढ़े। आप देखिए, अब अगर इससे आगे हम लोग बढ़े तो आप लोग जरा देखो, ये जो आप देख रहे हो ये पूरा पोर्शन, ये देश है, इस देश का नाम है यूके, यूनाइटेड किंगडम। और ये जो पूरा क्षेत्र आपको दिख रहा है ये एक देश है, इस देश का नाम है फ्रांस। ये है फ्रांस। ये पानी भरा हुआ है नॉर्थ सी का, और ये पानी भरा हुआ है इंग्लिश चैनल का। और ये जो जल संधि है, ये जो स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम है, अगर इस स्ट्रेट को हम लोग देखें तो इस स्ट्रेट का नाम है डोवर स्ट्रेट। ये है डोवर जल संधि। और जो डोवर स्ट्रेट है, डोवर जल संधि है, ये किस किस को जोड़ती है? तो अगर डोवर स्ट्रेट की बात करें तो ये डोवर स्ट्रेट ये जोड़ रही है इंग्लिश चैनल और किस किस को? नॉर्थ सी को। तो डोवर जल संधि किस किस को जोड़ती है? इंग्लिश चैनल और किसको? नॉर्थ सी को। अलग किसको करती है? यूके। और किसको? फ्रांस को अलग करती है। तो ये यूके और फ्रांस को अलग करती है, जबकि जोड़ती किस किस को है? इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को जोड़ती है। ये हो गई जो यूरोप है, इस यूरोप की मेन मेन जल संधियां, ये सारी की सारी जल संधियां हो गई। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग एशिया की जल संधियां देखेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। इतनी बात समझ में आई? तो चलिए आज यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद।